खासतौर से मैं हमारे रेजिडेंसी स्कूल के बारे में मिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं आपके जरिए। केसीआर साहब ने खासतौर से तेलंगाना बनने के बाद माइनॉरिटी की हालत देखकर, उनकी तालीमी हालत देखकर रेजिडेंसी स्कूल ओपन किए। साबिका में 48 साल कांग्रेस ने हुकूमत की आंध्र प्रदेश में जब हम थे, और तकरीबन 17 साल तेलुगुदेशम ने हुकूमत की, कभी भी अकलियतों के लिए तालीम के मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की। केसीआर साहब तेलंगाना बनने के बाद 204 रेजिडेंसी स्कूल ओपन किए, और साबिका में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे। सीएम साहब ने उन बच्चों को, लड़कियों और लड़कों को अच्छी तालीम देने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तेलंगाना के 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम एक ही स्कूल लेकर 3 स्कूल तक खोला गए, वहां पर अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश। मगर गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद इस साल दाखिलों में बहुत कमी आई है। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कि सचार कमेटी की रिपोर्ट है, कांग्रेस की बनाई हुई है, और रिपोर्ट के अंदर ये बात बताई गई कि माइनॉरिटीज सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, एससी एसटी से भी ज्यादा बैकवर्ड है तो माइनॉरिटीज है, एजुकेशन में सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। जो रेजिडेंसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ये गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जो होटलों में काम करने वाले हैं, जो पंचर बनाने और अच्छी तालीम हासिल करते हैं, बहुत आगे तक तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस सिलसिले को कायम रखिए। इस साल के अंदर तादाद में नियरली 30% कमी आई, अगर ऐसी कमी होती जाएगी तो स्कूल खत्म हो जाएंगे। हमारे पास रेजिडेंसी स्कूल में 58,000 से ज्यादा लड़कियां पढ़ते थे, वहां लड़के पढ़ते थे, जुमला 1,35,000 बच्चे तालीम हासिल करते थे, आज 30% में स्कूल एडमिशन कम हुए। मेरी आपके जरिए हुकूमत से और मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि माइनॉरिटीज को तालीम दीजिए। मुलाजिमत तो सब देने की बात अलग है, मगर सबसे पहले तालीम होना चाहिए। अगर एक बार तालीम हासिल करेंगे तो कहीं भी जाकर अपनी रोजगार हासिल कर सकते हैं। तो मेरी हुकूमत से ज्यादा अदबन गुजारिश है कि रेजिडेंसी स्कूल बड़ी मेहनत से कायम किए गए, और स्कूल कायम होने के बाद हमेशा जून के महीने में महीना पहले से टीचर्स कोशिश करते हैं, वहां के प्रिंसिपल कोशिश करते हैं, वह इस मरतबा एडमिशन बच्चों को दिलाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से उन बच्चों को जो हमेशा हर साल हजारों बच्चों को दाखिला मिलता था, इस मरतबा नहीं मिल सका। इसलिए मेरी गुजारिश है कि स्कूलों को कायम रखिए, इससे माइनॉरिटी तालीमी हालत सुधर सकती है। माइनॉरिटीज खासतौर से लड़कियों के लिए, लड़कियां अगर तालीम हासिल करेंगे तो वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि रेजिडेंसी स्कूल को जो सियासत साहब ने कायम किया था उसे कायम रखिए। आज हुकूमत में भी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देते हुए रेजिडेंसी स्कूल में बच्चों की तादाद को कम मत होने दीजिए। और मेरी गुजारिश है कि केसीआर साहब ने 2 साल के अंदर 204 खोले थे, उनका और भी इरादा था कि माइनॉरिटीज को तालीम देने के लिए तकरीबन 400 स्कूल खोलेंगे। उन्होंने एससी एसटी बीसी के लिए भी एजुकेशन रेजिडेंसी स्कूल खोले। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि रेजिडेंसी स्कूल में इजाफा किया जाए और बच्चों की तादाद कम ना होने दी जाए, इसमें इजाफा किया जाए। यही मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारिश है। अध्यक्ष गौरव महमूद अली का बलमूर वेंकट बेकविल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकविल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकविल केक हाउस। बेकविल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकविल केक हाउस, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद।